पहले भगवान के सामने मत्था टेका, हाथ जोड़े, माफी मांगी और उसके बाद भगवान के घर में ही दे दिया चोरी की वारदात को अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी घटना। दिखाएंगे आपको आगे कि गुरुग्राम में भगवान के घर चोरी करने वाले कौन है ये चोर और कहां पर हुई है ये वारदात। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के जमालपुर इलाके में शिव मंदिर के अंदर तीन चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इस चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले इन तीन चोरों ने भगवान के सामने मत्था टेका, माफी मांगी और उसके बाद बड़े ही इत्मीनान से मंदिर में लगे सभी दान पात्रों से पैसे लेकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। घटना 25 मार्च रात तकरीबन 11 बजे की है, जब तीन अज्ञात चोर जमालपुर के शिव मंदिर में पहुंचे। वहां पर सबसे पहले इन्होंने दरवाजे का ताला तोड़ा और उसके बाद शिवालय में जाकर ये दान पात्र को तोड़ने की कोशिश करने लगे। उससे पहले ये चोर एक एक करके पहले भगवान के सामने मत्था टेकने लगे, हाथ जोड़ने लगे और शायद ऐसा लग रहा है कि कह रहे हो कि भगवान हमसे गलती हो रही है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी चतुराई दिखाई और चतुराई ऐसी कि दान पात्र में सबसे पहले इन्होंने सिक्का डाल के ये जानने की कोशिश की कि दान पात्र के अंदर पैसे हैं भी या नहीं है। जब एक बार में इनको कंफर्म नहीं हुआ तो दूसरा सिक्का इन्होंने डाला और उसके बाद उस शख्स ने दूसरे अपने साथी को इशारा किया कि हाँ, इस दान पात्र के अंदर पैसे हैं। उसके बाद अपने साथ लाए हथियार से इन लोगों ने इस दान पात्र को तोड़ दिया और इसके अंदर से पैसे निकाल लिए। इतना ही नहीं, सिर्फ केवल शिवालय में नहीं बल्कि राधा कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर, शनि मंदिर और गणेश जी के मंदिर में भी जाकर इन्होंने इसी तरह से इस वारदात को अंजाम दिया। दूसरे मंदिर की तस्वीर भी आप देख लीजिए कि अंदर घुसते ही सबसे पहले इन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़े और उसके बाद दान पात्र से पैसे निकालकर यहां से चलते बने। इन लोगों ने ना केवल दान पात्र के पैसे चुराए बल्कि जो मंदिर में सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर था, एलसीडी लगी हुई थी, उसको भी ये लोग अपने साथ चोरी करके ले गए। लेकिन जब खोजबीन की गई तो आसपास के जो जोहड़ हैं वहां उसके किनारे इनको सीसीटीवी का डीवीआर मिल गया, जिसकी वजह से ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। सुबह 4 बजे तकरीबन जब मंदिर के पुजारी यहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के ताले टूटे हुए हैं, दान पात्र टूटे हुए हैं और उनमें पैसे गायब है। उसके बाद गांव की पंचायत को इस पूरे मामले की सूचना दी गई, जिसके आधार पर ग्राम सुधार समिति के वाइस प्रेसिडेंट नरेश कुमार ने जमालपुर पुलिस चौकी में शिकायत दी कि रात में अज्ञात चोर आकर यहां चोरी की वारदात को अंजाम दे गए और 15 से 20 हजार जो अनुमानित दान पात्र में पैसे थे वो यहां से चुराकर भाग गए, जिस आधार पर बिलासपुर पुलिस थाने ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इन चोरों ने सोचा होगा कि इनकी इन हरकतों को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में इनकी हरकतें कैद हो गई, इनकी शक्लें इसमें आ गई और पुलिस ने इन लोगों को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना हमारे शिव मंदिर जमालपुर में 25 मार्च 2022 को तकरीबन 10 बजे से लेकर रात 12 बजे के बीच की घटना है। मेरे को 26 तारीख को सुबह 4 बजे के आसपास हमारे मंदिर के पुजारी ने कॉल किया था कि मंदिर प्रांगण के जो हैं दरवाजे खुले हुए हैं, आप आके चेक कीजिए। मैंने अपनी कमेटी के मेंबरों को सूचित किया, उनको लेकर के मैं मंदिर में गया तो देखा हमने हमारे शिव मंदिर में स्थापित सभी 6 दान पात्रों के ताले टूटे हुए थे और उनमें से पैसा निकला हुआ था। साथ ही साथ हमारा जो शिवालय का मंदिर का जो दान पात्र है उसको चोर साथ में उखाड़ करके लेके गए और हमारा जो डीवीआर था सीसीटीवी का उसको साथ में लेके चोरी करके गए। एक एम्पलीफायर और एलसीडी आदि चोरी हुई है जब मंदिर से। उन्होंने सिक्का भी डाला है, सिक्का इसलिए डाला कि उससे पता चल सके कि सिक्के में नोट है या खाली है, वो आवाज आए। गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि इन तीनों की शक्लें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, इसीलिए इन तीनों की पहचान करना पुलिस के लिए सरल हो गया। पुलिस ने इन तीनों को पलवल से गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके गिरफ्तार होने से एक और मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने जानकारी दी है कि 23 मार्च को ही इन लोगों ने बिलासपुर में इलाके में मोबाइल दुकान में चोरी की थी और वहां से लाखों के मोबाइल चोरी कर लिए थे। अब पुलिस ने जानकारी दी है कि इन तीनों ने अपने एक और साथी का नाम लिया है, हालांकि पुलिस उसको वेरीफाई करेगी। अगर वो भी चोरी में शामिल है तो उसको भी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। इन चोरों ने जिस तरह से भगवान के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जो इन्होंने कर्म किए, अब उन कर्मों के हिसाब से इनको कानून सजा देगा और सलाखों के पीछे इनको अब भेज दिया गया है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।